नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। जब हम कोई सामान खरीदते हैं या ये ज़रूर देखते हैं कि ये किस डेट में बना है और इसका इस्तेमाल कब तक कर सकते हैं, यानी कि उस प्रोडक्ट का एक्सपायरी डेट क्या है। अगर किसी प्रोडक्ट मसलन दवा, बिस्किट, शैम्पू या साबुन का एक्सपायरी डेट ख़त्म हो जाता है तो हम उसका इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट एक्सपायर होने के बाद हानिकारक साबित हो सकता है और इसलिए उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। लेकिन सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है, ये वीडियो देखकर आपको सतर्क हो जाना चाहिए कि कहीं आप भी तो एक्सपायर हो चुके प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। पहले डेट बताओ, किसी एक साबुन की डेट बताओ। ये डेट इसमें 11-15, सीधा करो इसको। तो इस वीडियो को शेयर किया है ओम शांति ओम और रावण जैसी फिल्म लिख चुके मुश्ताक शेख ने। वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे एक्सपायर हो चुके प्रोडक्ट पर मैन्युफैक्चर डेट और एक्सपायरी डेट को बदल कर फिर से बाज़ार में बिकने के लिए भेज दिया जाता है और ये सब करने के लिए बाकायदा पूरा सेटअप लगाया गया है। मुश्ताक शेख ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, कस्टमर सावधान, कैमरे पर पकड़ा गया, देखिए उत्पादों की एक्सपायरी डेट के साथ क्या हो रहा है, इस तरह के धोखे के बाद क्या उम्मीद रखी जाए। तो देखिए कैसे इन उत्पादों की एक्सपायरी डेट के साथ छेड़छाड़ की जाती है। करके बता लो कैसे साफ करते हो, डेट साफ कर रहे हो? हाँ सर। हाँ, करके बताओ। पहले डेट दिखाओ। ये पहले डेट बताओ, किसी एक साबुन की डेट बताओ। ये डेट इसमें 11-15, सीधा करो इसको। इसमें डेट है 11-15 और 11-17। कैसे कैसे साफ कर डेट निकल गई। करो ठीक है। तो ये डेट इसमें मिट गई। चलो ठीक है, अब इसमें कैसे डेट कैसे डालते हो, नई डेट। चलो बताओ। ये मशीन है, ये मशीन से नई डेट डलती है। ये डेट डल गई है इसमें। क्या डल गई? 6/20 से 6/22 नया हो गया। ये नया पुराना साबुन नया हो गया। ये पुराना साबुन नया हो गया जो जहरीला था।